दोस्तों नमस्कार, मैं सुनीता गंगराड़े मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक या सेमी क्लासिकल म्यूज़िक या लाइट म्यूज़िक का शौक रखते हैं तो आप इस चैनल के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ले रही हूँ राग मारू बिहा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था राग बिहाग पर, तो राग बिहाग अगर आपने देखा है तो ही आप मारू बिहाग को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल रही हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी राग बिहाग की। ये आपने देखा बिहाग के स्वर है, पामा पगामा, ये जो है ये बिहाग की पहचान है। दोनों मध्यम आ गए इस फ्रेज में। आइए अब देखते हैं मारू बिहाग कैसा है। सा दोस्तों, राग मारू बिहाग में आरोह और अवरोह दोनों ही ऑर्डर में मैंने तीव्र मध्यम गाया और पकड़ में शुद्ध मध्यम कुछ विशिष्ट तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, मारू बिहाग राग बिहाग और राग यमन दोनों से मिलकर बना है। अगर इन दोनों रागों की हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखें तो ये इतने खूबसूरत राग हैं, और जब ये दोनों ही राग मिल गए हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ है वो और भी ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए ये राग बहुत पॉपुलर है। आइए शुरू करते हैं राग मारू बिहाग। राग मारू बिहाग का थाट कल्याण है। इसका नाम सुनकर हमें ऐसा लगता है कि बिहाग यानी बिलावल थाट को बिलोंग करता होगा, लेकिन दोनों मध्यम लगने के कारण इसका राग थाट कल्याण है। इस राग का वादी स्वर गंधार, समाधि स्वर निषाद है। आरोह में रेधव वर्जित होने के कारण इसकी जाति ऑडव संपूर्ण है। अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग है और रात के पहले प्रहर में ये राग गाया बजाया जाता है। आइए शुरू करते हैं राग मारू बिहाग। आइए दोस्तों, इस राग में लेते हैं एक बंदिश प्रभा त्रिजी द्वारा गाई हुई। जागूं मैं सारी रे मैं सारी रहना।
आइए लेते हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इस राग पर आधारित। बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई अखियों से लाख मनाई रहना, बीती ना बिताई रहना। दोस्तों इस गीत में जो ये लाइन आ रही है, भीगी हुई अखियों से, यहाँ पर टिपिकल ये मारु बिहाग राग का फ्रेज दिख रहा है। साम मग गध पध मग गनी ध प मग मग रे सा, यहाँ पर ये लाइन भीगी हुई अखियों से ये बिल्कुल मारु बिहाग के फ्रेज से मैच कर रही है। तो वैसे तो शास्त्रीय संगीत की जो शुद्धता है वो फिल्मी गानों में इतनी दिखाई नहीं देती है। कई बार एक लाइन में एक राग तो दूसरी लाइन में दूसरा राग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें किसी राग के बिल्कुल प्रॉपर फ्रेजेस दिखाई देते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये इस राग पर आधारित है। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने के आई, दिल जो न कह सका ये क्या जग है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। कितना है प्यार हमसे इतना बता दो, अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, चलो जाओ दिल का दामन छोड़ो, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। बहुत ही सुंदर ये राग दोस्तों। अगर हम इसके भाव की बात करें तो ये राग श्रृंगारिक है, कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा विरह का रस भी दिखाई देता है। तो दोस्तों जब हम छोटे थे बचपन में तभी बहुत सारे गीत सुना करते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि ये राग मारु बिहाग है। जैसे मुझे याद आता है कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी एक गीत हमेशा गुनगुनाया करते थे, पाव पड़ू तो रे श्याम ब्रिज में लौट चलो, पाव पड़ू तो रे श्याम ब्रिज में लौट चलो, सोनी कदम की ठंडी छैया धुन गूंजे बंशी की। बहुत ही सुंदर गीत। एक और गीत मुझे याद आ रहा है, शोभा गुरुटू द्वारा गाया गया, मेरी गुरु धनश्री पंडित मैडम भी हमेशा गाती हैं इस भजन को। पिया जी म्हारे नैना आगे रे जो, पिया जी म्हारे नैना आगे रे जो, नैना आगे मुहरे आगे रे।
दोस्तों, कैसा लगा आज का राग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए राग के साथ। नमस्कार दोस्तों।